नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दोपहर के 3 बज गए हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी सियासी खबर आपको बता दें। तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की आज जनसभा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा। कल लालू यादव ने निशाना साधा था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव पे निशाना साधा। साथ में इंडिया अलायंस पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं कि इंडिया अलायंस अब डूब रहा है। ये लोग कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, परिवारवादी पार्टियों को विकास अच्छा नहीं लगता है। तो कल परिवारवाद के मुद्दे पे लालू प्रसाद यादव ने जनविश्वास जो रैली हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठाए थे और आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब दिया है कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, मेरा देश ही मेरा परिवार है। और आज से एक मुहिम भी शुरू कर दी है और जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मोदी का परिवार, सब लोग अपने प्रोफाइल पे जो है अपना नाम बदल रहे हैं, प्रोफाइल जो है बदल रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने प्रोफाइल के टैगलाइन में, जो प्रोफाइल है शुरू में, उसमें मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। ये मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बता? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तेलंगाना के आदिलाबाद में पीएम मोदी के मैं हूं मोदी का परिवार वाले नारे के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। जो प्रोफाइल बायो होता है उसको चेंज कर दिया है। बायो में कई मंत्रियों ने लिखा हुआ है मोदी का परिवार, यानी कि एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। आपको अगर 2019 के लोकसभा चुनाव हो, तब मैं हूं चौकीदार का ट्रेंड शुरू हुआ था। इस बार एक नया ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, बीजेपी के जरिए शुरू किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक्स पर तमाम जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अपनी बायो में मोदी का परिवार लिख दिया है। ये देखिए, ये जेपी नड्डा की प्रोफाइल आप देख रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक्स पोस्ट पे मोदी का परिवार लिख दिया है। यानी 2019 में मैं हूं चौकीदार वाली एक मुहिम शुरू की गई थी, ठीक इसी तर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का परिवार, ये बायो बदलने की सिलसिला या शुरुआत एक नया ट्रेंड जो है, बीजेपी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़े दिग्गज नेता इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज
क्योंकि कल लालू प्रसाद यादव ने परिवारवाद के मुद्दे पे सवाल उठाए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, और अब देखिए आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। खबर दिल्ली से, दिल्ली सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस रहा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया, यानी 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया गया है। हर महीने 18 प्लस जितने भी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए देने का वादा किया गया है। महिलाओं को साल में 12,000 रुपए दिल्ली सरकार देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली मेरा परिवार है, तो ये एक दूसरी जंग भी शुरू हो गई है। उधर मोदी का परिवार, इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली मेरा परिवार है, और साथ में महिला सम्मान योजना की शुरुआत भी आज की गई है। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के आठवें समन पर अरविंद केजरीवाल का आज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सवालों का जवाब देने को मैं पूरी तरह से तैयार हूं। साथ में कहा कि ईडी से 12 मार्च के बाद की तारीख हमने मांगी है, और ईडी का समन पूरी तरह गैर कानूनी है। तो हमेशा लगभग अरविंद केजरीवाल हर समन के बाद यही कहते हैं कि ईडी की तरफ से जो भी समन दिया गया है वो गैर कानूनी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ईडी को कि आप 12 मार्च के बाद कोई भी तारीख दे दीजिए, मैं पेश हूंगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 16 तारीख को, 16 मार्च को इस मामले में सुनवाई भी होनी है। ईडी ने कोर्ट में शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के समक्ष समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब तक ये मामला कोर्ट में है तब तक मैं ईडी के सामने पेश नहीं होगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के कह सकते हैं तेवर थोड़े नरम पड़े, और कह रहे हैं कि 12 मार्च के बाद ईडी कोई भी तारीख दे दे, हम पूछताछ के लिए तैयार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें एक शर्त रख रहे हैं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ईडी के सामने सवाल जवाबों अपने तमाम सवालों का जवाब दूंगा, उनके समक्ष पेश होऊंगा। मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो समन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड हैं, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड हैं। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाई कोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया, लेकिन वो नहीं माने, बस समन पे समन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 समन के पहले लिखा था, मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता। तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं, जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं, हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे, तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। वहीं बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने पर सांसद मनोज तिवारी ने पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, लेकिन किसी का टिकट कटा नहीं है, सभी को दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि केजरीवाल सरकार आज 10वां बजट अपना पेश कर रही है, राम राज्य की अवधारणा पर बजट है। ये बड़ी हास्यास्पद है। मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि अगर
अरविंद केजरीवाल जी का 10वां बजट राम राज्य की अवधारणा पर है, तो अब तक के बजट क्या थे? क्या वो रावण राज की अवधारणा पे थे? आप राम राज्य के बजट की कल्पना अवधारणा आपने पहले या दूसरे में क्यों नहीं किया? तब समझ में आता है कि ये एक और धोखा है, एक और भ्रम है। और मेरा विश्वास है कि 2025 में दिल्ली की जनता अब ऐसे भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को, झूठे अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाएगी, बीजेपी को लाएगी अब दिल्ली में, स्टेट में भी, और हम राम राज्य का बजट देंगे। ईडी ने सम्मन दिया है अरविंद केजरीवाल को, वो कह रहे हैं गैर कानूनी तो सम्मन है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि चुनावों के बीच में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मंशा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब हम जवाब देंगे। ये चुनाव तक लाया कौन सम्मन को? लाया तो आप ही ने है। जब पहला सम्मन आया था तब तो चुनाव नहीं था, तो क्या आप ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे थे कि धीरे 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 इसको चुनाव के पास लाएं फिर ऐसी बात करें? और देखिए, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के अनुसार चलता है। अपराधी, भ्रष्टाचारी चुनाव का बहाना लेकर बच नहीं सकता। देश की जनता कहती है जो भ्रष्टाचारी है, जो बार बार डिले कर रहा है, अपने व्यवहार से सिद्ध कर रहा है कि भ्रष्टाचारी है, तो उसके लिए कड़ाई से पालन होना चाहिए। दिल्ली में 5 लोकसभा सीटों का ऐलान हुआ, 4 सांसदों के टिकट कट गए, एकमात्र आप हैं। 2014-2019 बड़े मार्जिन से आप चुनाव जीते, लेकिन वो जानना चाहूंगी कि उस बुहारी बाबू की मजबूती का राज क्या है। देखिए, एक तो धन्यवाद है नरेंद्र मोदी सर का, वो हमारे नेता हैं, वो दुनिया के भी, देश के साथ साथ पूरी दुनिया के आशा और विश्वास के केंद्र हैं। उनका धन्यवाद है, मुझे ये मौका मिला। नड्डा जी का धन्यवाद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे अमित शाह जी का, पूरे शीर्ष नेतृत्व का। अंतिम सवाल, वो जो थीम सॉन्ग, उसी एक लाइन जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि वो जो आवाज है जो पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश में गूंजेगी और एक बार फिर से भगवान लहराने को तैयार है। नहीं, हम एक नया गीत बना रहे हैं जो अब 2-3 दिन में हम आप सबके साथ रिलीज करेंगे, बट हम मुखड़ा जरूर आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र के महासमर में, लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है। सेवा करके खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। आगे देखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन संजय राउल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली News 24। और एक और बड़ी सियासी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर वार, कांग्रेस का कर्म उन पर भारी पड़ रहा है। तो एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का कर्म ही उन पर भारी पड़ रहा है। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार दिन भर आज देखने को मिल रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी, लालू प्रसाद यादव के बीच एक जुबानी जंग देखने को मिली थी, अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कांग्रेस पर यहां पे निशाना साधा गया है, जिसमें अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि उनका कर्म ही उन पर भारी पड़ गया। तो जनता याद करवा रही थी क्या हुआ तेरा वादा, और कहीं ना कहीं ये झूठे वायदे, झूठी गारंटियां कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ रही थी। सरकार थी या नहीं थी, एक बराबर ही थी, कुछ हुआ नहीं। और कहीं ना कहीं ये अनदेखी जनता की जो है वो बहुत भारी पड़ी, और ये तो होना ही था, दबाव था। और मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये केवल हिमाचल नहीं, कर्नाटक में भी कांग्रेस का ऐसा ही हालत है। ये नाटक इनका यहाँ से लेके वहाँ तक है, झूठी गारंटी दो, सत्ता लो और फिर कुछ मत करो। और कहीं ना कहीं ये इनको उल्टा पड़ा है, बड़े बड़े खोखले वायदे करना, आज जवाब नहीं बचा है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।